ठीक है स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं और पहला सवाल हिमानी का है। उनके पति का क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 4.1 है और इसे नीचे लाना चाहती हैं, जाहिर है इसे नॉर्मल करना चाहती हैं वो, इसके लिए उन्हें क्या करना है? उनकी उम्र 43 साल है। देखो ये बात हिमानी के लिए नहीं, बहुतों के लिए जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, सबके लिए बता देता हूँ। शीशम पीपल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, हरे धनिए का रस, ये तीनों जबरदस्त काम करते हैं। और गोखरू और जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, धनिया का बीज, उसका काढ़ा, वृक्कदोष और क्वाथ, ये सब भी पिए। खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि और खाली पेट वृक्कदोष और पुनर्नवादि मंडूर। अभी तो हमने रिनोग्रिट भी एक नई औषधि बना दी और इस सबको हम कराते हुए, हाँ उसको खास बात एक बस ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको रो फूड हम ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और उपवास थोड़ा लंबा कराते हैं, माने सुबह नाश्ते में नहीं खाना कुछ भी, खाली ये औषधियाँ लें, पानी पिए, दोपहर का खाना खाएं और उसमें भी अनाज में केवल जो का प्रयोग करना है, बाकी साग सब्जियाँ और फल ही खाने हैं, ऐसा उपाय करेंगे, लौकिक कल्प आदि करेंगे। तो मैंने लोगों का जिनका 8 से 12 तक पहुंच गया था क्रिएटिनिन, 1 से 2 महीने में उनका 1 से 1.5 के बीच में लेके आया हूँ। हिमानी जी को भी समाधान मिल जाएगा, औरों के लिए भी ये बड़ी बात है, नहीं तो लोग परेशान रहते हैं, पहले डायलिसिस और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट से हमने लाखों करोड़ों लोगों को बचाया है, मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी अब अगला सवाल शामिल करते हैं, भारती का सवाल है। 4 साल के से चक्कर आना बंद नहीं हो रहा है और बिना सहारे के चल नहीं पाती हैं, तो आपसे हल जानना चाह रही हैं। तो देखो छोटी सी उम्र में भारती को, अब यह छोटे छोटे बच्चों को भी चक्कर आते हैं, बिना सहारे चल नहीं पाते हैं और किसी को तो वर्टिगो ही हो जाता है, इतनी दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट खाने के बाद लें और इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सामान्य रूप से इम्यूनोग्रिट तो सब ले ही सकते, इम्यूनोग्रिट गोल्ड एकदम से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। और ये मेधावटी इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाली पेट ले लें या इम्यूनोग्रिट ले लें, इम्यूनोग्रिट की 2-2, 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ली जा सकती हैं और मेधावटी 1-1, 2-2 गोली 3 बार ली जा सकती है। पहले ही दिन से चक्कर आने बंद हो जाएंगे, शरीर में अंदर से एनर्जी भी आ जाएगी, पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसी स्थितियों में ये चीज़ें होती हैं। इसके अंदर न्यूट्रिला, ये ओमेगा, जिसमें कि फ्लैक्सीड से और सीबकथॉर्न से हम ओमेगा तैयार करते हैं, वो एकदम से ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर करता है। ये छोटे छोटे उपाय करने से और मेधा क्वाथ पीने से, ये ऐसी ब्राह्मी संकपुष्य ज्योतिषमती सौंफ का पानी पीने से ब्रेन सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाता है, चक्कर आने बंद हो जाते हैं और अंदर से फिर अनुलोम विलोम तो सबको करना ही, भारती जी से लेकर के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।